तो अगर टाइम टेबल बहुत ज्यादा भारी है तो थोड़ा सा रिजिड की जगह फ्लेक्सिबिलिटी ले आओ। एक एक आदत होनी चाहिए कि कंसिस्टेंसी रहेगी, चाहे डेढ़ घंटा पढ़े इंसान लेकिन पढ़ेगा जरूर दिन में। अगर वो कंसिस्टेंसी रहेगी तो फिर मुझे लगता है, और एक छोटा सा भी गोल होगा आपको कि भाई ठीक है ये 25 मिनट करने हैं तो करने ही है, 25 मिनट के बाद ही उठा जाएगा, उससे पहले कुछ नहीं है, चाहे प्यासे मरो कुछ हो। तो वो एक एक, एक जब रूटीन भी छोड़ो, अगर आपको पता है कि डेढ़ घंटा तो पढ़ना ही है हर हालत में, तो जब आपको पता है जब डेली ये चीज करनी है तो क्यों ना अच्छे से करो। तो एक महीने, दो महीने, तीन महीने डेढ़ घंटा पढ़ोगे, चौथे महीने अपना आप ही मन करेगा यार ढाई पे ले आओ इसको, टारगेट थोड़ा बढ़ाते हैं, चैलेंज आएगा और ज्यादा कवर कर पाऊंगा या कर पाऊंगी। तो कंसिस्टेंसी छोटे से शुरुआत करता है ना इंसान और लगा रहता है उस छोटे पे भी, तो फिर धीरे धीरे बड़ी चीजें भी होने लगती हैं। पर्सनल एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे कह रही हूँ मैं, कोई मतलब ऐसा ज्ञाता नहीं हूँ, बट कुछ थोड़े बहुत एक्सपीरियंसेस हैं जो थोड़ा सा लीक से हटके रहे हैं और उन चीज़ों ने शायद एक छोटी सी मतलब चीज़ें भी दिखाई हैं, मतलब सक्सेस भी दिखाई है उस टर्म में जिस तरीके से वो चीज़ें की गई थी। दैट्स व्हाई आई एम शेयरिंग ऑल दिस।